हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा वीडियो है चैत्र नवरात्रि पे क्या करें और क्या ना करें। चैत्र नवरात्र का पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है। इस दौरान दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। ऐसा माना जाता है कि जो साधक इस व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में उनकी खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व नवरात्र माना गया है। यह पर्व माँ दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह त्यौहार पूरे देश में भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास करते हैं और उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस साल नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 से हो रही है। ऐसे में जब यह पर्व इतना करीब है तो इसके व्रत के नियम को अवश्य जान लेना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। नवरात्र व्रत में इन बातों का रखे ध्यान। नंबर 1, व्रती नवरात्र के दौरान जल्दी उठे और पवित्र स्नान करें। नंबर 2, 9 दिनों के व्रत के दौरान भक्तों को शराब, तंबाकू और मांसाहारी भोजन के सेवन से बचना चाहिए। नंबर 3, नवरात्र के व्रत के दौरान नाखून काटने, बाल कटवाने या दाढ़ी कटवाने से बचना चाहिए। नंबर 4, व्रती कूटू सिंगाड़े का आटा, दूध, साबुदाना, आलू और फलों का सेवन कर सकते हैं। नंबर 5, नवरात्र के व्रत में सरसों के तेल और तिल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। हालांकि मूंगफली का तेल और घी का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 6, रोजाना उपयोग वाले नमक के सेवन से बचना चाहिए, जबकि सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 7, व्रतियों को दिन में सोने से बचना चाहिए। नंबर 8, साधक को हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए और चमड़े से बने कपड़ों व चीज़ों से दूर रहना चाहिए, साथ ही काले कपड़ों को पहनने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। नंबर 10, नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।